लॉन्च होता है ना, जो कोई भी वैरायटी हो, उसमें कम से कम 5 साल तक उसमें रोग नहीं आता, एक वायरस कम है इसमें। बाकी इसकी आप साइनिंग देख चुके हो। और कुछ ये है इसमें प्लस पॉइंट, लास्ट तक कलर जो साइनिंग पहले आती है वो लास्ट तक रहता है। बाकी आप लोगों से भी क्या कुछ लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं। बाकी राजीव जी हैं, अनिल जी हैं और विजय जी हैं, वो आपको बारे में ज़्यादा बताएं। तो राजीव जी आप एक पराठी इनको ज़्यादा थोड़ा समझाना। अजय भाई बताओ यार, जो आपको ज़्यादा नॉलेज होती है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। ये जो वैरायटी है ये हमने 18 नवंबर और 20 नवंबर को लगाई थी, तो ये वैरायटी सभी वैरायटियों से ठीक है। एक इसकी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि साइनिंग आखिरी तक इसकी बढ़िया रहती है, जिससे कि मार्केट में रेट अच्छे मिलते हैं। अभी देखें इसके साथ की जो वैरायटियाँ और लगी हुई है वो पीछे से चौड़ा मुँह कर गई है, लेकिन ये जो वैरायटी है अभी यूं की यूं है, जो शुरुआत की तुड़वाई थी वही साइनिंग अभी है इसमें बरकरार। तो ये बीज मतलब की और वैरायटियों से काफ़ी अटके है अभी तक, मतलब इसने साइनिंग नहीं ख़त्म हुई है और चमक वो की वो है। मार्केट में रेट भी और वैरायटियों से अच्छे मिलते हैं इसके। शुरू से रिसर्च करता आया हूँ मैं, और आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो एक गहराई तक की बात है। पिछले साल जब इस वैरायटी का हमने सैंपल लिया था कंपनी से, कंपनी के पास इन्होंने थोड़ा सा नंबर ऑफ कह दिया, देसी भाषा में बता दूं कि बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसे उनके ऊपर कोड हो हैं 14, 15, 15, 16, 16, 17, इस तरह से इसकी भी मेरे पास कोड में सैंपल आए थे। और वो सैंपल भी मेरे को ऐसी जगह लगवाने थे जो किसान एक एक चीज़ को देख के और उसके रिजल्ट के ऊपर मेरे को असली रिपोर्ट दे दे। वो दोनों के दोनों सैंपल मैंने 50-50, 60-60 बीज थे जो अनिल भाई का और राजू का लगवाए थे। उसका के मकसद था, नंबर एक तो मेरा था नज़दीक, केयर की दिक्कत नहीं, सारी चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करके। तब इन्होंने लास्ट टाइम देखने के बाद रिजल्ट निकाला इस साल, और इन्होंने कहा जी ये बीज हमारे को चाहिए, ये बीज औरों से महंगा है। एक बात और बता देता हूँ जो नहीं बताई थी, ये बीज औरों से महंगा है। की बात करूंगा, इस बीज की बिक्री है भाई, मैं दो की बात करूंगा, चार कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप कहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पांच कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो का मतलब ये है आपके खेत में अगर 50 पोलथीन उतरे, 50 पोलथीन को 20 से गुणा करांगे हम, 10 क्विंटल माल हो गया हमारा सीधे सीधे, हमारे एक तुड़ाई में जो हमने एक्स्ट्रा पर खर्चा करा था वो सारा का सारा एक तुड़ाई में ही कवर हो गया। दूसरा, इसकी जो लाग है, इतने भयंकर खतरनाक मौसम के अंदर 1 महीना तक सूरज ना निकलना, पौधा जो है वो भोजन सूर्य से ही बनाता है। अब बात आती है अगली, सारे बीज है ना धीरे 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 वायरस पकड़ने लग गया, वायरस टॉलरेंट वैरायटी जिसमें वायरस के प्रति लड़ने की पावर होगी, वो बीज आपका 2 तुड़ाई फालतू दे देगा तो ये मान के चलो 20,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो गए जो आपके खर्चा ने कवर करेगा। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका टेस्टिंग होना, और उसके बाद मैंने खुद ने भी थोड़ा टेस्ट कराया था 10-20 बीज लगाने के बाद, मैंने इसको 100% खरा उतरा है तब ये बीज मार्केट में दिया 40-71, याद रखना अगले साल किसी का। अब एक बात और कहना चाहूँगा, इस एरिया में अब पानी जो पहले होया करते वो है नहीं, पानी तो हो गया हल्के, किसी के हल्के पानी है तो अगले साल वो आदमी 100 ग्राम बीज लगाओ है, 200 ग्राम बीज लगाओ, 50 ग्राम बीज लगाओ है। इस बीज को लगा के टेस्ट करके जरूर देखना।